हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र चोपड़ा आज लाया हूँ ओल्ड वरना, जो कि आपको तीन प्रकार के मॉडल अभी तक मिलते हैं, जिसमें से मैं अब ओल्ड की बात करूँगा, जो कि फ्रेम आपके सामने है सिल्वर कलर में। इस तरीके से प्रॉपर फिटिंग का फ्रेम होता है। एक इस तरीके से स्क्रीन होती है जो आपको शो हो रही है 9 इंच की, जो इस पर प्रॉपर बैठ जाती है। अगर हम इसे गलत तरीके से बैठाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, और इस तरीके से इसका साइज़ बिल्कुल मैच नहीं होगा। साइज़ मैच हो इसके लिए हमें इसको इस तरीके से बिठाना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर साइज़ मैच होगा और ये इस तरीके से इसमें बैठ जाएगी। इसके साथ मिलने वाला कनेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें आती है जो कि पावर आप और स्पीकर की वायर आपकी कनेक्ट कर देता है, और आप इसके थ्रू सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। बाई करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। अब हम चलते हैं इसकी कनेक्टिविटी पे, जो कि है कनेक्टर टू कनेक्टर फिटिंग। आपको कोई भी वायर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। वायर जो है वो कनेक्टर टू कनेक्टर फिट होती है सिस्टम में भी और आपकी कार में भी, तो आपको वायर काटने की ज़रूरत नहीं है। और ये है 9 इंच की स्क्रीन जो प्रॉपर फिट होगी इस फ्रेम के साथ। ओल्ड वरना में ही ये फ्रेम फिट होगा, अदर कार में नहीं। आप उसमें नहीं फिट कर सकते, क्योंकि स्क्रीन आप कर सकते हैं लेकिन फ्रेम नहीं। इसके साथ मिलने वाली वायरिंग की बात करें तो वायरिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको एक GPS एंटीना मिलेगा, जो कि आपका मैप नेविगेशन चलाने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ एक हो गई ये हमारी केबल, केबल जो है कैमरा केबल है, और ये है हमारी USB केबल, जो दो मिलती है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों केबल से आप USB चला सकते हैं। और ये हो गई हमारी एम्पलीफायर की केबल और माइक जोड़ने की केबल। इस तरीके से आप बाई भी कर सकते हैं हमसे, COD भी एक्सेप्टेड है, और आपकी कार में इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से ये शो होता है। थैंक यू दोस्तों।